हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में जो है जनन पढ़ रहे हैं, तो उसी जनन में आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन, क्योंकि इसके पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था पौधों में जनन या पुष्पीय पादपों में जनन, तो वो समाप्त हो गया है। तो उसी क्रम में आज हम जंतुओं में जनन या जीवों में जनन, देखिए जंतुओं में जनन में क्या है, तो जंतुओं में जो जनन है उसकी जो है मुख्यतः दो विधियां हैं, कौन कौन सी, अलैंगिक जनन और दूसरी विधि है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम आज जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधि पढ़ेंगे। तो जंतुओं में अलैंगिक जनन, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि होता किसमें है अलैंगिक जनन, क्योंकि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दो जंतुओं में यानी जनन की विधियां हैं। तो उन जनन की विधियों में से जो अलैंगिक जनन की विधि है वो निम्न श्रेणी के आकशेरुकी, जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं आकशेरुकी हैं, एक कोशिकी हैं, उनमें होता है। निम्न श्रेणी से तात्पर्य है जिनका शरीर एक कोशिका से निर्मित है, और आकशेरुकी हैं जिनके शरीर में कशेरुक दंड का अभाव होता है, उन जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन की भी कई विधियां हैं, जैसे विखंडन विधि, कलिकोत्पादन विधि, पुनरुद्भवन विधि, बीजाणु जनन विधि, कई सारी विधियां हैं। तो उनमें से आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन की पहली विधि, जिसे हम आ डाला है कि विखंडन विधि, विखंडन विधि के बारे में जानेंगे और चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या होता है विखंडन विधि। इस विधि में परिपक्व जीव विभाजित होकर दो या अधिक कोशिकाओं में बंट जाता है। देखिए परिपक्व जीव से तात्पर्य है कि पूर्ण विकसित जीव, कैसा जीव, पूर्ण विकसित जीव होगा, और वो जीव जो है दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाता है। यानी दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बढ़ने से तात्पर्य है कि दो एक जीव से दो या दो से अधिक नए जीव बन जाते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन में प्रायः एक कोशिकी जीव ही भाग लेते हैं। तो एक कोशिकी जीव में एक कोशिका से उनका शरीर का निर्माण होता है, तो दो कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो दो जीव बनेंगे, दो से अधिक कोशिकाएं बढ़ती हैं विभाजित होती हैं तो दो से अधिक जीव निर्मित होंगे। तो विखंडन विधि समझ में आया कि इस विधि में एक पूर्ण विकसित जीव, परिपक्व जीव जो है विभाजित होकर के दो या अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाता है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन के बाद जो है कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, और जिससे एक जीव से दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण हो जाता है। तो ये थी आपकी विखंडन विधि। तो विखंडन विधि जो है ये इसके दो प्रकार का विखंडन होता है, यानी विखंडन विधि प्रायः एक कोशिकी जंतु, यानी इस विधि से, या आप कह सकते हो कि विखंडन विधि द्वारा प्रायः एक कोशिकी जीव जनन करते हैं, यानी एक कोशिकी जीव ही जनन करते हैं। एक कोशिकी जीव वो जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से निर्मित होता है। तो विखंडन विधि जो है ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार है द्विविखंडन और दूसरा प्रकार है बहुखंडन। जैसा हमारा हेडिंग से ही समझ में आता है कि ऐसा विखंडन होगा जिसमें दो जीव बनेंगे, द्विविखंडन, यानी एक जीव दो खंडों में विभाजित होता है, दो खंड, एक जीव से दो खंडों का विभाजन द्वारा दो जीव नए बनते हैं। इसी प्रकार बहुखंडन जीव, तो बहु माने बहुत सारे खंडों में विभाजन होना। तो सब देखिए द्विविखंडन को एक सिस्टमैटिक तरीके से, कि इसमें कोशिकाएं विभाजन द्वारा दो भागों में विभक्त हो जाती हैं,
यानी जो दिव्य खंडन है इसमें एक कोशिकी जीव की जो कोशिका है वो दो भागों में बट जाती है। कोशिका के बटने के बाद सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, न्यूक्लियस का विभाजन होता है, उसके तत्पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। यानी कोशिकाएं दो भागों में बटती हैं जिसमें सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है, केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बट जाती है। यानी एक कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बन जाती है। इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को द्विविखंडन कहते हैं। और जो ये विखंडन की द्विविखंडन प्रक्रिया है ये प्रोटोजोवांस में होती है, या आप ऐसे कहिए कि ये अमीबा पैरामीशियम युगलीना में होती है। ये सभी जंतु प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोवा में आते हैं, प्रोटोजोवा संघ है उसमें आते हैं। तो आपका जो अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलीना है, ये सभी जंतु एक कोशिकी जंतु होते हैं और इनमें जो जनन होता है अलैंगिक होता है, और अलैंगिक जनन के साथ साथ द्विविखंडन की विधि प्रायः होती है। तो देखिए चित्र बनाया गया है, पहला जो डायग्राम बना हुआ है अमीबा में द्विविखंडन द्वारा जनन समझाया गया है कि अमीबा में द्विविखंडन से कैसे जनन होता है। देखिए सबसे पहले ये एक पूर्ण विकसित अमीबा है, पूर्ण विकसित एक अमीबा जंतु है जिसमें इसका ये चारों तरफ कोशिका भित्ति यानी बनी हुई कह सकते हो, या चारों तरफ की इकाई कला बनी हुई है, और इसके सेंटर में एक केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस उपस्थित है। अब क्या होता है कि इसमें द्विविखंडन की विधि होती है जिसमें कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका के विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जो ये अमीबा है ये विभाजन के लिए तैयार हो जाता है, और इसका आकार अनियमित होता है, और अनियमित आकार है, आपको अनियमित आकार ही दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो केंद्रक है, सबसे पहले कोशिका विभाजन द्वारा केंद्रक का बंटवारा होता है। तो जो ये इसका न्यूक्लियस था ये देखिए बटने के लिए तैयार हो जाता है, गोल केंद्रक से कैसा लंबा केंद्रक छड़ानुमा छड़ के आकार का बनना शुरू हो जाता है। अगले चरण में क्या होता है कि वही संरचना और भी बटने के लिए तत्पर हो जाती है। जो उसका न्यूक्लियस है वो पूर्णतः स्पष्ट रूप से अलग अलग दो भागों में बटने के लिए तैयार हो जाता है। तो तत्पश्चात जब कोशिका का केंद्रक सबसे पहले विभाजित होता है, बटता है, केंद्रक के बटने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो इसी के साथ इसका जो कोशिका द्रव्य है वो भी बट करके आधा आधा दो साइडों में लग जाता है। तो इस प्रकार से आप समझिए कोशिका का विभाजन किस प्रकार से, कोशिका द्रव्य, क्योंकि कोशिका के अंदर उपस्थित जो तरल पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो इसके अंदर जो ये द्रव्य भरा था, तो सबसे पहले केंद्रक बटना प्रारंभ होता है कोशिका विभाजन के द्वारा, और उसके तत्पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो ये देखिए कोशिका द्रव्य जो इसमें पूरी कोशिका, एक कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा हुआ था, वही अगले चरण में क्या होता है, कोशिका द्रव्य बट करके दो साइडों में हो जाता है, यानी कि दो किनारों पर लग जाता है। और तत्पश्चात कोशिका द्रव्य बटने से क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बट जाती है। तो यह एक कोशिका से सबसे पहले केंद्रक का विभाजन हुआ, अगले चरण में वही केंद्रक स्पष्ट रूप से बटने के लिए तैयार हो गया, और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन से समझ में आया कि कोशिका में भरा हुआ तरल दोनों अलग अलग साइडों में यानी दोनों ध्रुवों में बट जाता है। इसके अगले चरण में वही एक कोशिका दो नई संतति कोशिकाओं में बट गई, जिसमें दोनों में न्यूक्लियस और दोनों में कोशिका द्रव्य उपस्थित है। यानी एक
न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस का निर्माण हो गया। तो यह क्या है, संतति अमीबा, यानी एक पूर्ण विकसित अमीबा से दो नए संतति अमीबा का निर्माण हो गया, या इस प्रकार से आप कहिए कि एक कोशिका से दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो ये अमीबा में द्विविखंडन द्वारा जनन समझ में आया, और ये यहाँ तक पूरा एक चरण है यानी द्विविखंडन है, जो कि ये आप यहाँ पर तीन लाइनों में थ्योरी में लिखा है वही यहाँ पर एक चित्र द्वारा आपको समझाया गया है। इसके बाद अमीबा में विखंडन की जो है, यानी अमीबा में विखंडन की द्विविखंडन विधि समाप्त होती है, और विखंडन विधि की जो दूसरा प्रकार है बहुखंडन, वो देखते हैं। देखिए बहुखंडन जो है ये प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी और उसके साथ साथ अमीबा दोनों में ही होता है, तो इसके साथ आप अमीबा भी ऐड करिए, क्योंकि अमीबा में द्विविखंडन और बहुखंडन दोनों विखंडन होते हैं। तो क्योंकि अमीबा का चित्र भी बनाया गया है, तो देखिए बहुखंडन क्या है, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसमें एक पैतृक कोशिका से दो से अधिक संतति जीव बनते हैं। यानी कि बहुखंडन विधि में क्या होता है कि इसमें एक कोशिकीय जंतुओं में कोशिका द्रव्य विभाजित होकर के सूक्ष्म विखंड बना लेते हैं, और अनुकूल परिस्थितियां जब मिलती हैं इनको, तब ये जो इनका कोशिका आवरण है, कोशिका आवरण फटने पर विखंडित होकर के ये मुक्त हो जाते हैं, और एक कोशिका से कई सारी संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। तो देखिए ये यहाँ पर चित्र बनाया गया है अमीबा में बहुविखंडन। अमीबा में किस प्रकार से बहुविखंडन होता है, एक ये पूर्ण विकसित अमीबा है और इसके अंदर कई सारे स्पोर बनते हैं, कई सारे स्पोर बनते हैं, यानी कि सूक्ष्म विखंड बनने वाले खंड बनते हैं, और यही खंड जब इसको अमीबा को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, तब इसकी जो भित्ति है, आवरण है, फट जाता है और सारे स्पोर मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए स्पोर ये बने थे, अगले चरण में यही स्पोर बाहर निकल करके स्वतंत्र होता है, और जिसमें केंद्रक और कोशाद्रव्य दोनों उपस्थित हैं, अगले चरण में क्या होता है, इसी स्पोर से एक नया संतति अमीबा बना हुआ दिखाया गया है, जिसमें शिशु अमीबा, यानी इसी स्पोर से एक नया शिशु अमीबा बना है। तो इसके अंदर जितने भी ये स्पोर उपस्थित हैं, ये सभी नए शिशु अमीबा बनाते हैं। यानी कि एक अमीबा से बहुविखंडन के द्वारा, बहु मतलब होता है बहुत से खंड में बटना, बहुत से टुकड़ों में विभाजित होना, जब कई सारे टुकड़ों में विभाजित होता है तो वो प्रत्येक टुकड़ा एक नया संतति अमीबा या शिशु अमीबा का निर्माण करता है। तो बहुविखंडन की विधि जो है अमीबा में, और मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया रोग को फैलाता है, मलेरिया रोग को फैलाने का कारक है, इसीलिए लिखा गया है मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी का मतलब होता है ये दूसरे जीव पर अपना पोषण प्राप्त करता है, दूसरे जीव को पोषक कहते हैं, और जो ये अपना पोषण दूसरे जीव से प्राप्त करता है, इसीलिए इसे मलेरिया परजीवी कहते हैं। और मलेरिया को फैलाने वाला जो कारक है वो प्लाज्मोडियम है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम, यानी जो प्लाज्मोडियम है और अमीबा, दोनों में ही बहुविखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो इसी के साथ आप अमीबा में द्विविखंडन का चित्र और अमीबा में बहुविखंडन का चित्र, ये हमने एरो नीचे की ओर बना के दिखाया है, आपके अगर पर्याप्त जगह है तो आप सीध में दिखा सकते हो, इसी प्रकार इसको भी आप सीध में दिखा सकते हो, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण बहुविखंडन का। इसी प्रकार से अमीबा में द्विविखंडन में चार चरण बने हुए हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण। चौथे चरण में दो संतति अमीबा का निर्माण हो जाता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो जो था जंतुओं में जनन और उसमें अलैंगिक जनन समाप्त होता है, जिसमें आप विखंडन विधि और विखंडन विधि के दो प्रकार द्विविखंडन और बहुखंडन समाप्त होता है। इसके बाद आपको अगले वीडियो में मिलते हैं अगली नई विधि के साथ। आज के लिए इतना ही।